स्टार प्लस की सीरियल एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न में काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां आप देखेंगे कि कैसे मनोहर ने अब तक हार नहीं मानी। उसे जानवी का सच पहले से पता है, लेकिन उसने ये भी ठान लिया है कि वह जानवी को ब्लैकमेल करना बंद नहीं करेगा। वहीं सुमन का मानना है कि दवाइयों की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होते जा रही है, जिसके चलते उसने ये ठाना है कि वो जानवी से ये बात छुपाएगी कि वो दवाई नहीं खाती है। वहीं मनोहर जानवी को शानी के नाम से धमकाता है। वहीं चंदा के बर्थडे पार्टी के थीम डिसीजन में ध्रुव काव्या को भी पार्टिसिपेट करने को कहता है। वहीं आप देखेंगे कि कबीर और काव्या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वहीं कबीर काव्या को बताना चाहता है कि व्योम एक धोखेबाज था, जहां स्कूल के इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल जब काव्या को उसके पति का नाम पूछता है तो वो काफी प्राउडली अपने पति के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए थे। वेल, ऐसे में क्या कबीर काव्या को व्योम की सच्चाई बता देगा, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।